has planted him to break India. I am again repeating. इसको बैठा है भारत को तोड़ने के लिए। लेकिन भारत ने भी अब बांग्लादेश पे अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है दोस्तों। भारत ने अपना पावर एक्सपोर्ट रूल्स बदल दिया है। सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। अमेरिका को बांग्लादेश में अपना दूतावास बंद करना पड़ा है। अमेरिका छोड़ के भाग जाना बांग्लादेश को, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के जो 40 जो शीर्ष राजनयिक हैं वो सारे के सारे अभी ढाका में बैठे हुए हैं। साफ कह दिया कि झारखंड से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है अब बत्ती गुल होने का समय। जो आबादी है 1 लाख तक की, ये मात्र जो 1 करोड़ 30 1 करोड़ 35 लाख वहाँ पर हिंदू रहने वाले, उसमें से मात्र 1 लाख तकरीबन लोग यहाँ पर आए हैं। नो डाउट इसमें सारे हिंदू नहीं होंगे, और भी लोग इसमें मिक्सिंग हो सकती है, मगर सवाल ये उठता है कि अगर हम देखें कई सारी रिपोर्टें ये कहती हैं कि 70-80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख तो रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, उनको आप सरकारी पैसे पल रहे हैं। भारत के सरकारी पैसों पर, मेजॉरिटी के टैक्स के पैसों पर हज यात्राएं होती हैं, इमाम भत्ता दिया जाता है, सब कुछ होता है। भारत की मेजॉरिटी के टैक्स के पैसों पर आप देखो आपने राशन बांटा पिछले 2-3 सालों से, उस राशन बांटने के बाद भी आप अपनी मेजॉरिटी नहीं ला पाए। भारत के चुनाव में भी जो 2-4 महीने पहले जून में चुनाव हुए उसमें मेजॉरिटी नहीं ला पा रहे हो, तो ये जो राशन बट रहा है जो इतना सब आपका टैक्स वेस्ट जा रहा है, यदि उसको भी आप यूटिलाइज करो तो वहाँ पर कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो लोग को आप कह तो रहो यहाँ से वापस चले जाओ, प्यार से पुचकार के कह रहे हो वापस चले जाओ, ये लोग जब वापस जाएंगे और जब भी वहाँ जाके नज़रें मिलाएंगे वहाँ के लोगों को वहाँ की मेजॉरिटी से, तो क्या वो जिंदगी में कभी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? वो लोग तो बल्कि और इनको जिंदगी जहन्नुम बना दे। पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहाँ के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहाँ पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर बांग्लादेश के अंदर रहकर के भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर। इस तरह से 1-2 दिन में खबरें आ रही थी कि ढाकेश्वरी माता के मंदिर में गए, वहां के जो इंटरिम पीएम है मत्था टेका, बहुत से लोगों से मुलाकात की, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिले हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हिंदुओं पर हमले रुक गए हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है कि पिछले 24 घंटे में हिंदुओं के 2 और गाँव है उनको भी आग लगा दी गई है। ये जो लोग कर रहे हैं ये हिपोक्रेसी है। असल से ये लोग सब ये कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी देखिए यूनुस साहब ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोल कहा कि भाई आई कुड नॉट सेव द हिंदूज, इट वॉज ट्रू ऑनेस्ट ओके फाइन। और उनके जो सबसे बड़ा एलाय है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके साथ अलकायदा का रिश्ता है, ये आग भी लगा रहा है और आग बुझाने के लिए छूटता है। तो आप क्या उनसे क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दीज आर ऑल हिपोक्रेट्स। एंड अबाउट हिंदूस आप जाइए मेरे अखबार में देखिए कितने चीज है हमारे पास, इनके बारे में इतना बड़ा फाइल है। ये करप्ट पर्सन है, होलसेल करप्ट, सर से लेकर पाओ तब करप्ट है, एक करप्ट आदमी, फिनेंशियली करप्ट। उससे आप क्या अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते? इतनी भारतवासी अगर प्रतिवाद नहीं करेगा अभी भी फिर से वो पॉलिटिकल डिवीजन, भाई मैं कांग्रेस में बीजेपी, नो दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर इंडियाज नेशनल यूनिटी। और मुझे लगता है कि मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही प्राप्त होगा। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7-8% रह गई है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, अपने आप को अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली
इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। का पूरा जो तंत्र है वो चला गया है जिहादियों के हाथ में। आप ये देखिए कि उन्होंने पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से भंग कर दिया, जबरदस्ती उनका रेजिग्नेशन ले लिया। क्योंकि अगर तो हिंदुस्तान और हसीना वाजिद का खुफिया प्लान जो है ये पूरा हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ये सारी की सारी जो कुर्बानियां हैं स्टूडेंट्स की, जो अब मुझे पता चला है कि 2500 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, तो ये सब जाया जा सकती हैं। अब हसीना वाजिद को हटा के इन्होंने वही काम किया जो इराक़ में इन्होंने सद्दाम हुसैन को हटा के किया। उनको ये था कि भाई अब चूंकि अमरीका साथ में है इसलिए भारत हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर अमरीका ही छोड़ के भाग गया तब क्या होगा? अमेरिका छोड़ के भाग जाना बांग्लादेश को, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के जो 40 जो शीर्ष राजनयिक हैं वो सारे के सारे अभी ढाका में बैठे हुए हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ये नहीं चाहता था, क्योंकि ये है करने से वो जो पूरी की पूरी क्लेम थी कि ये जो है एक स्वतः स्फूर्त एक स्पॉन्टेनियस एक क्रांति है और इसमें जो है वो छात्र सम्मिलित हैं, इसमें ये छात्रों की क्रांति है, तो वो पूरा नैरेटिव तो वहीं ध्वस्त हो गया जब जबरदस्ती पहले प्रधानमंत्री को वहाँ से रवाना किया। एहसास हो गया, यह उनको अनुमान हो गया कि भाई ये मामला तो खटाई में पड़ता दिख रहा है, ये मामला तो उलट गया है, और तुरंत फुरत तुरंत फुरत उन्होंने आज अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है और दूतावास के सारे लोग जो हैं वो वहाँ से निकल के अपने अपने स्थानों पर वापस जा रहे हैं, अमेरिका जाएगा। इस समय जो जिहादियों की स्थिति है बांग्लादेश में वो पाकिस्तान के जिहादियों से भी खतरनाक। वो क्या ये हुआ कि वो जाके तोड़ दिए, वो भी तोड़ दिए लोगों ने वो जो स्टैचूज थे, तो उसके ऊपर जो शशि थरूर है उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर उसके बाद वो चीज सामने भी आएगी, उसके बाद बात भी होनी शुरू हो गई कि वो स्टैचूज भी उसको जो है वहां पे गिरा दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये एक जो खालदा जिया या जो इस वक्त वहां पर इस्लामिस्ट हैं या जो जमात इस्लामी के लोग हैं वो जी ये उनकी सियासत है। हालांकि बिहारी जो है जो और ये वो तो पाकिस्तान को टूटने के खिलाफ हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन उनको नहीं आने दिया पाकिस्तान। 1972 में जब भुट्टो साहब गए शिमला इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए, तो हमारी आर्मी के वो जो था एक मेमोरेंडम कि आपने ये नहीं मानना कि जो बिहारी हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। 22 के सेंसस के मुताबिक 1,30,00,000 जनता थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 1,35,40,00,000 हिंदुओं की आबादी हो गई होगी बांग्लादेश के अंदर, जिसमें से लगभग लगभग 1,00,000 लोग जो हैं वो भारत के बॉर्डर पर हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो 1,25,00,30,00,000-35,00,000 लोग बांग्लादेश के अंदर ही फंसे हुए हैं। मात्र 1,00,000 लोग जो हैं वो बॉर्डर पर आए हैं, जिसमें से ना जाने कितने हिंदू हैं, कितने बाकी अवामी लीग के लोग होंगे, कितने अहमदिया होंगे, कितने होंगे वो अलग विषय चर्चा का ज़रूर होंगे, उसमें मैं नहीं कह रहा 100% उसमें हिंदू ही होंगे, मगर जो मुख्य बात है वो ये है कि जो पार्टी को जिस पार्टी को देशद्रोही बोला जाता है, जिस पार्टी को सब कुछ कराया जाता है, उसने 47 से लेकर 71 से लेकर और 90 के दशक तक भी काफ़ी सारे जो है वो बांग्लादेश के स्पेसिफिकली हिंदुओं को जो है वो यहाँ पर शरण दी थी, जब तक कांग्रेस की सरकार थी बार बार जो है वो वहाँ के हिंदू जब परसिक्यूट, खासतौर पर जो 70s के दशक में जब वहाँ पे एक इस्लामाइजेशन का पीरियड आया था तब यहाँ पर जो है वो तेज़ी से शरण दी गई थी, तब यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं करी गई थी कि बॉर्डर पर आप रोको। और चलो यहाँ पर एक वैलिड सवाल उठता है, वो वैलिड सवाल ये है कि आखिर इतने लोगों को हम बुलाएंगे तो उनको हम रखेंगे कहाँ, उनको हम क्या करेंगे। चलो आपके अंदर बांग्लादेश पे अटैक करने की क्षमता नहीं है, अब आप देखो ना अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान आ गए, अगर अफगान तालिबान ना आते तो उसके एक साल पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज के दौर में, लोग कहते हैं आज के दौर में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप तो वो दौर था पहले होता था अब नहीं हो सकता। आप देखो बांग्लादेश के अंदर तत्तापलट हो गया, 6 महीने पहले अगर इसकी बात हो रही होती तो लोग कहते हैं क्या पागल हो, ये सब आप नहीं होता, सब पहले हुआ करता था अब नहीं, लेकिन जो चीज़ होनी होती है हो जाती, कोई नहीं रुकता ना बांग्लादेश के अंदर आपको इंटरफेयर करने की क्षमता।
शेख हसीना को आपने अभी तक भी अपने यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे और वहाँ पे जा रहा हो। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़ जिसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि आखिर ये लोग जो है, अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख मैं मान लेता हूँ, ये लोग बॉर्डर से जब वापस लौटेंगे, जब ये लोग बॉर्डर से वापस लौटेंगे, जो ये लोग गांव खाली करके आए हैं, जब वहाँ जाएंगे तो क्या वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो इनको एक्सेप्ट करेगी? वो तुमको और खारिज कर देगी? क्या हुआ, तुम तो गए थे ना अपने इंडिया में, वहाँ से भगा दिया गया, यहाँ से तुमको अपना मानते नहीं? इन लोग के लिए तो और ज़िंदगी जो है वो जहन्नम ही बन के रह जाएगी।